हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेलकोनिक टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेलकोनिक के न्यू लॉन्च मॉडल जो कि है इन्फिनी सोलर V3 5 किलोवाट के अंदर। ये नया इन्वर्टर जो पहले अल्फा V3 इन्वर्टर था उसका ही अपडेटेड वर्जन है जो बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए उस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारे दोनों इन्वर्टर साइड बाय साइड। ये है हमारा अल्फा V3 5 किलोवाट जो पहले आया करता था, इसी का ही ये नया अपडेटेड वर्जन है जो कि है इन्फिनी सोलर V3। तो इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि इसमें क्या नहीं था जो अब अपडेटेड वर्जन के अंदर आ चुका है। तो देखिए, ये है कंपनी का नया ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर। अब इसके अंदर काफ़ी हमें अपडेट्स मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो इसको येलो कलर दिया गया है जो कि आपकी दीवार के ऊपर काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। जहाँ पर आपको देखिए अल्फ़ा इन्वर्टर के अंदर आपको एक फ़िक्स LCD मिलती थी, वहाँ इस इन्वर्टर के अंदर आपकी LCD जो है वो फिक्स नहीं है। आप इस LCD को उतार कर कहीं पर भी 20 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। आपकी एक वायर इन्वर्टर से इस LCD स्क्रीन के अंदर जाएगी और वहीं पर आपकी LCD काम करेगी इन्वर्टर से 20 मीटर की दूरी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। तो जो पहले अल्फा V3 था उसकी कैपेसिटी भी 5 किलोवाट थी और इस इन्वर्टर की कैपेसिटी भी 5 किलोवाट है, लेकिन जो चेंजेस हैं वो इसके MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर दिए गए हैं। इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 6 किलोवाट का है, जबकि अल्फ़ा का जो चार्ज कंट्रोलर था वो सिर्फ 5 किलोवाट का था। यानी उसके ऊपर सिर्फ आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते थे, लेकिन इस नए इन्फिनी सोलर V3 के ऊपर आप 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां आपको अल्फ़ा V3 के अंदर वाईफाई की सुविधा नहीं मिलती थी, उसके लिए आपको एक अलग से वाईफाई स्टिक को परचेज़ करना पड़ता था जो अलग से आपको 6,500 रुपये की कॉस्ट करती थी। तो उससे आपका जो इन्वर्टर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर आपको इन बिल्ट वाईफाई दिया गया है और आप इस इन्वर्टर को अपने फ़ोन के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ़ोन के अंदर से ही इसकी पूरी की पूरी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड कहीं से भी, क्योंकि ये रहता है इंटरनेट से कनेक्ट और इंटरनेट है पूरी दुनिया के अंदर। तो आप कहीं पर भी जाकर इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और इसके डाटा को कंटिन्यूस देख सकते हैं। जहां आपको अल्फ़ा इन्वर्टर के अंदर कोई भी डस्ट फिल्टर नहीं दिया जाता था, वहीं इस इन्वर्टर के अंदर डस्ट फिल्टर को भी लगा दिया गया है। आप इसके ऊपर बने इस स्क्रू को खोलकर इसके डस्ट फिल्टर को आसानी से रिमूव कर पाएंगे और साफ़ करने के बाद दोबारा इसको लगा पाएंगे। इससे आपके इन्वर्टर की लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि डस्ट फिल्टर से डस्ट इन्वर्टर के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो ये भी एक नया फीचर है। ये देखिए, ये इन्वर्टर लिथियम आयन बैटरी के साथ भी कंपैटिबल है और अब की बार इस इन्वर्टर के साथ आपको BMS पोर्ट भी मिलता है, तो आप कोई भी लिथियम आयन बैटरी इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप लुक्स के साथ कंपेयर करें तो जो नया इन्वर्टर है वो काफ़ी फ्लैट दिया गया है और मोटाई में भी अल्फ़ा इन्वर्टर से थोड़ा बहुत मोटाई में ही है। तो ये थी सारी जानकारी हमारे इस नए मॉडल के बारे में। अगर आप अपने नज़दीक का कोई डीलर ढूंढना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको अपने नज़दीक का जो भी डीलर अवेलेबल होगा उसकी जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selconic.com पर, तो मेल पर भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।